हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार मोह आप सभी का डीआर क्लासेस बाय सोनू सर में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं, पॉलिटेक्निक के ऐसे सभी छात्र जिनको जो है इंतजार है कि आपका जो एग्जाम है दिसंबर 2019 का कब से होगा, तो दोस्तों आज हम इसी के रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम है वह कब स्टार्ट होने वाला है। बीटीई बोर्ड ने जो है आपका शेड्यूल जारी कर दिया है और हम यहां पर बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम है वह कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है इस टॉपिक पर क्या करने वाले हैं, यहां पर बात करने वाले हैं। दूसरा फ्रेंड्स, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या आपने तैयारी कंप्लीट कर ली है या तैयारी अगर कंप्लीट नहीं की है तो कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहां पर आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित पल-पल की जानकारी देते रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट के पेपर हैं, चलिए हम बात करें अगर तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के, तो जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है वह आपका जो है 7 दिसंबर को है, यानी टोटल जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वह 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपकी जो परीक्षा है दिसंबर 2019 की वह कब से स्टार्ट हो रहा है, आपका 7 दिसंबर से। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आपका शेड्यूल आ चुका है। अगर आपको ना हो तो आप यहां से देखिए शेड्यूल देख सकते हैं, मैं आपको शेड्यूल दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका शेड्यूल है। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के क्या करिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, अगर उनको अप्लाइड जो आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट है उसका एग्जाम 7 दिसंबर को है। अगर हम बात करें अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की तो उनका एग्जाम जो है आपका 10 दिसंबर को है। अगर हम बात करें अप्लाइड केमिस्ट्री की तो आपका जो है पेपर 11 दिसंबर को है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का तो 12 दिसंबर को है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जो है आपका 13 दिसंबर को है। तो यहां पर फर्स्ट ईयर वालों के लिए सबसे बड़ी जो है थोड़ी सी कठिनाई है कि आपके जो पेपर है वे लगातार है। केवल अगर हम 7 से 10 की बात करें तो देखिए 7, 8, 9 यहां पर 2 दिन का गैप है, लेकिन अगर हम देखें तो 10, 11, 12, 13 जितने भी पेपर हैं सब लगातार हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जिनको ऐसे छात्र जिनको मैथमेटिक्स थर्ड एलाट है या सेकेंड ईयर की बात करें, चाहे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग है, इन सब ब्रांचों को मैथ थर्ड एलाट होता है। तो मैथ थर्ड का जो पेपर है वह आपका 13 दिसंबर को है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं जो है उनके जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का एग्जाम है वह 16 दिसंबर को है। एमओएस का जो है 17 दिसंबर को है। थर्मल इंजीनियरिंग का जो है 18 दिसंबर को है। डब्ल्यूटी का एग्जाम आपका जो है 19 दिसंबर को है। अब बात करते हैं फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर जो आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन है, एमटीटीएम का एग्जाम जो है 7 दिसंबर को है। थ्योरी ऑफ मशीन का एग्जाम जो है आपका 10 दिसंबर को है। डिजाइन आपका 11 दिसंबर को है। आईएमईडी आपका 12 दिसंबर को है और पीटी फर्स्ट आपका 13 दिसंबर को है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपका हो गया प्रोडक्शन। तो देखिए फर्स्ट ईयर आपके मैकेनिकल कोई भी ब्रांच हो सबका क्या होता है, आपका कॉमन होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए। अब अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल फर्स्ट ईयर कॉमन है आपका। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट 7 दिसंबर को, फिजिक्स 10 दिसंबर को, केमिस्ट्री आपकी 11 दिसंबर को, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट 12 दिसंबर को, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट 13 दिसंबर को, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड ये सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए 13 दिसंबर को, इंजीनियरिंग मटेरियल 16 दिसंबर को, एमओएस मॉस 17 दिसंबर को, थर्मल इंजीनियरिंग 18 दिसंबर को, डब्ल्यूटी 19 दिसंबर को, एमटीटीएम फाइनल ईयर वालों के लिए 7 दिसंबर को, टॉम 10 दिसंबर को, डिजाइन 11 दिसंबर को, आईएमईडी 12 दिसंबर को, ऑटोमोबाइल इंजन 13 दिसंबर को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आपका जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल। अगर आपको किसी भी ब्रांच का और शेड्यूल चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, हम आपको जो है कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो टोटली अगर देखा जाए तो लगभग आपके एग्जाम में मात्र अब जो है 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी जो है आपने अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की हो तो तैयारी जम करके स्टार्ट कर दीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट जरूर करें।
ऑलरेडी हमारे यहाँ जो है मैकेनिकल के जो है आपके फर्स्ट जो अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर के आर ब्रांचों की क्लासेज हमारे यहाँ चल रही है। अगर आपने अभी तक जो है क्लासेज ज्वाइन नहीं की हो तो आप हमारे यहाँ क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं और आपका पूर्ण रूप से 2 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये रहा, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक क्लास जरूर करें। आपको एकदम 100% आपको इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आप एक बार क्लास करेंगे तो आपको लगेगा कि हम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग वास्तव में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात करता हूं सेकेंड ईयर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास आज आप हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले पढ़ सकते हैं। और फाइनल ईयर की अगर हम बात करें तो टॉम और डिजाइन की क्लासेज हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रही है। तो अगर अभी तक आपकी तैयारी अधूरी हो तो आप हमारे यहाँ क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में जो है बिल्कुल पॉलिटेक्निक गेट के सामने डीआर क्लासेस नाम से है। आप आकर के हमें क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सब जानकारी देना था आपको कि आपका एग्जाम शेड्यूल आ गया है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। क्योंकि इस बार जो पेपर पैटर्न मैं आपको बता दूं, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्र हैं उनका सिलेबस चेंज हो गया है। तो जब भी सिलेबस चेंज होता है तो ये आमतौर पर देखा गया है कि जो आपका पेपर आता है वो बहुत कठिन आता है। तो इसलिए आप पढ़ाई में अभी से जुट जाइए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम आपको जो है वहां पर पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। और मैं आपको जस्ट लाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो आप जो है अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।